कैसे पता करें मेरा मोबाइल फोन हैक है या फिर नहीं? यह जो सवाल है काफी सारे यूजर्स कमेंट करके पूछते हैं। हम खुद से कैसे पता करेंगे मेरा मोबाइल फोन किसी ने हैक भी कर रखा है या फिर दूर बैठा हैकर्स हमारे मोबाइल फोन को कहीं मॉनिटर तो नहीं कर रहा? हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं कोई दूर बैठा इंसान देख तो नहीं रहा है, कैसे पता करें? तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ जरूरी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। अगर वो सारे के सारे सेटिंग्स आपके डिवाइस में इनेबल हो रखे हैं, एक्टिवेट हो रखे हैं, इसका मतलब है आपका मोबाइल फोन कोई दूर बैठा हैकर्स मॉनिटर कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, प्लस में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको तीन ऐसे जरूरी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसको आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा आपका फोन कब और किसने हैक कर लिया और आपका सारा डेटा लीक होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, हो सकता है आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाए, लेकिन मेरे डिवाइस में सबसे नीचे ऑप्शन है गूगल। गूगल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपका जीमेल अकाउंट दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहीं पर वो तीन सेटिंग्स हैं जिसको आपको हमेशा चेक करते रहना है। ओके, देखिए सबसे पहला जो सेटिंग है इसमें ज़्यादा चांस तो नहीं बनता, लेकिन हाँ अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो भाई आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइसेज एंड शेयरिंग। ठीक है, इस डिवाइसेज एंड शेयरिंग पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा कास्ट ऑप्शंस, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारा ऑप्शन इनेबल हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, इस डिवाइस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर स्क्रीन फॉर नियर वी डिवाइसेज ये सारा आपके मोबाइल फ़ोन में इनेबल होगा। और यहाँ पर देखिए अवेलेबल डिवाइसेज नियर वी, अगर कोई डिवाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है इनेबल एक्टिव, तो उस कंडीशन में आपको पता चल चुका होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। ठीक है, अगर कोई भी डिवाइस यहाँ पर किसी भी डिवाइस का नाम दिख रहा है तो वैसे बेसिकली इस फीचर का क्या रोल है मैं आपको बता देता हूँ। इस फीचर की हेल्प से आप अपने डिवाइस को मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप पर चला सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड या फिर कोई भी इस डिवाइस को स्कैन करके, कास्ट करके अपने डिवाइस में एक्सेस करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, अपने डिवाइस पर मॉनिटर करना स्टार्ट कर दे, तो भाई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हाँ ये ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता है, कुछ ही दूर तक काम करता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कोई भी डिवाइस का नाम यहाँ पर दिखता है तो आप समझ जाना कि आसपास में ही मेरा कोई मॉनिटर करा है, मेरे डिवाइस को देख रहा है। ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं एक इस ऑप्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर से आपको लॉग आउट कर लेना है, उस डिवाइस को रिमूव कर लेना है। एक तो ये प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि जब तक आपका मोबाइल फोन कोई लेगा नहीं तब तक वो कास्ट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन अब आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन है, नीचे आ जाइए, सेटिंग्स फॉर गूगल ऐप्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्टेड ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगे जिसको आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल भी कर रखा है और साथ ही इस जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको एक्सेस भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा एप्लीकेशन नहीं है, मैंने इसको कभी इंस्टॉल ही नहीं किया था, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा फ्रेंड्स है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया है और पूरा एक्सेस आपकी मोबाइल फ़ोन को ले रखा है। ठीक है, मतलब कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। अगर कोई अननोन एप्लीकेशन यहाँ पर दिखता है तो बेसिकली एप्लीकेशन काम क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर एप्लीकेशन को, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन को हैक करने के लिए, तो वह जो एप्लीकेशन क्या करती है आपके मोबाइल फ़ोन का सारा परमिशन ले लेती है और आपका डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करती रहती है, बैकग्राउंड में काम करती रहती है। ठीक है ना, तो इससे आपका मोबाइल फ़ोन हीट भी ज़्यादा होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है जिसको मैंने कभी इंस्टॉल ही ना किया हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिएगा और रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि रिमूव हो जाएगा, अब वो एप्लीकेशन आपके जीमेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो इससे आप सेफ हो जाएंगे। दूसरा तो ये तरीका है। उसके बाद एक और तरीका है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, आप यहाँ पर चेक कीजिए, एक ऑप्शन है पैरेंटल कंट्रोल्स। अगर इस फीचर को कोई इनेबल करके छोड़ देता है तो इस कंडीशन में बवाल मच जाएगा, यानी कि आप जो भी कुछ करेंगे अपने डिवाइस में, चाहे आप व्हाट्सएप चलाते हो, नेट बैंकिंग चलाते हो, या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कुछ भी करते हैं, सब कुछ दूर बैठा इंसान हैकर्स लाइव देख सकता है।
ठीक है ना। यहाँ पर जब आप पेरेंटल कंट्रोल्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे सामने कुछ इस तरीके से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन अगर आपके डिवाइस में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं आया, इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सुपरवाइज दिस फोन रिमोटली विथ द फैमिली लिंक ऐप फॉर पेरेंट्स, कीप एन आई ऑन स्क्रीन टाइम एंड सेट लिमिट्स एज नीडेड, ओके, एड रेस्ट्रिक्शंस टू गूगल सर्विसेज सच एज ऐप अप्रूवल्स और कंटेंट फिल्टर्स ऑन गूगल प्ले, ठीक है ना। तो देखिए इस ऑप्शन का मतलब ही है, इस फीचर का मतलब ही है कि अगर आप अपने बच्चों पर नज़र रखना चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने मोबाइल फ़ोन में क्या क्या करता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से देख पाएंगे। और साथ ही ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा यह कंटेंट या फिर ये एप्लीकेशन यूज करता है जो कि यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि व्हाट्सएप को ही ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप इसको यूज नहीं करना चाहिए तो आप इस फीचर की हेल्प से व्हाट्सएप को ब्लॉक कर सकते हैं और आपका जो बच्चा है व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएगा, डिवाइस यूज कर पाएगा बट व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा बंदा है, ऐसा हैकर है जो इसको इनेबल कर रखा है और अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू इनेबल कर रखा है, तो भाई आप जो भी करेंगे दूर बैठा हैकर से देखता रहेगा, ठीक है ना, आपके सारी एक्टिविटी पर नजर रहेगा उसका। इसलिए आप लोग यहाँ पर भी चेक कर लीजिएगा आपका कहीं मोबाइल फ़ोन तो हैक नहीं हो रखा है। उसके बाद यहाँ से आप रिमूव कर दीजिएगा, मेरा मोबाइल फ़ोन हैक नहीं है लेकिन आप रिमूव कर दीजिएगा, रिमूव करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से आप इन तीनों सेटिंग्स की हेल्प से पता कर पाएंगे आपका मोबाइल फ़ोन किसी ने हैक भी कर रखा है या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी सही तरीके से पता कर पाएंगे आपका फ़ोन किसी ने हैक भी कर रखा है या फिर नहीं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।